सो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स वी हैड डिस्कस्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। नाउ टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टीज। जैसे उसमें कल वाले टॉपिक के साथ कंटिन्यू करता एक टॉपिक रहता था, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नॉट वैल्यूज। ई नॉट वैल्यूज से आप केमिकली रिएक्टिविटी भी बता सकते हो, ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये आपके पास ई नॉट वैल्यूज हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम और क्रोमियम में अगर आपने कंपैरिजन करना है तो देखो, अगर मैं एम टू एम प्लस टू वाला पोटेंशियल देखूं तो टाइटेनियम का ज्यादा है पॉजिटिव, क्रोमियम का कम है। तो यहां से क्या इंडिकेशन निकलती है कि टाइटेनियम अपना प्लस टू स्टेट जल्दी अचीव करेगा एज कंपैरिजन टू क्रोमियम। तो रिएक्टिविटी के साथ रिलेटेड वाला कंसेप्ट ही हो गया ना ई नॉट। जो ई नॉट वैल्यूज हैं वो आपको जो है वो मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगी, ओके। जैसे ई नॉट वैल्यूज ऑफ रिडॉक्स कपल एम प्लस थ्री एंड एम प्लस टू, ठीक है, इंडिकेट्स दैट Mn प्लस थ्री एंड कोबाल्ट प्लस थ्री आयंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn प्लस थ्री और कोबाल्ट प्लस थ्री आयंस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि Mn प्लस थ्री जो है वो Mn प्लस टू में कन्वर्ट होना चाहता है जल्दी से जल्दी, एंड सिमिलरली कोबाल्ट प्लस थ्री कोबाल्ट प्लस टू में कन्वर्ट होना चाहता है जल्दी से जल्दी। कैसे पता लगा हमें? हमने इस कपल के लिए, ये वाला एम प्लस थ्री और प्लस टू कपल के लिए जो वैल्यूज है वो देखो ना, ठीक है, क्लियर। कोबाल्ट के लिए और मैंगनीज के लिए पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या है? जो मैंगनीज और कोबाल्ट है वो अपनी प्लस थ्री में स्टेट में रहना पसंद नहीं करते, वो अपने प्लस टू स्टेट में आना पसंद करते हैं। तभी तो प्लस थ्री से प्लस टू जाने के लिए जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है और वेरी हाई पॉजिटिव है। जिसका मतलब मैंगनीज प्लस थ्री अगर स्टेट में अगर आपके पास हो तो वो फट से इलेक्ट्रॉन लेके एम एन प्लस टू बन जाता है। और इसका मतलब क्या है कि वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या है? ठीक है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है कि उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। तो इसलिए बोला है कि जो ई नॉट वैल्यूज इस रिडॉक्स का कपल की हमें क्या सजेस्ट करती है कि जो मैंगनीज है प्लस थ्री स्टेट में और कोबाल्ट प्लस थ्री स्टेट में जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वेयर एज और ये सारी वैल्यूज किसमें है? एक्वो सोल्यूशन में, ओके। तो इसलिए एक्वो सोल्यूशन की ही बात हो रही है। वेयर एज टाइटेनियम प्लस टू वेनेडियम प्लस टू क्रोमियम प्लस टू आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। कैसे पता लगा? क्योंकि इनका प्लस टू और प्लस थ्री वाला पोटेंशियल देखो, प्लस थ्री से प्लस टू जाने का पोटेंशियल देखो, टाइटेनियम का भी नेगेटिव है, वनेडियम का भी नेगेटिव है, क्रोमियम का भी नेगेटिव है। मतलब इनका प्लस टू से प्लस थ्री में जाने का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, ओके। तो प्लस टू से प्लस थ्री में जाने का पोटेंशियल पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, और अगर खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे? रिड्यूस, ओके। सो दैट्स व्हाई टाइटेनियम प्लस टू वेनेडियम प्लस टू क्रोमियम प्लस टू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स as they can further oxidize to plus 3 state, क्योंकि वो plus 3 state में जाना पसंद करते हैं, okay, clear। तो यहाँ से आप मतलब इनकी E not values से आप reactivity भी judge कर सकते हो। ये तो वैसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे explain किया है, वैसे आप जानते हो कि हमने electrochemical series में पढ़ा हुआ है, electrochemical series हमें reactivity का idea दे देती है, okay, clear। अगर दो मेटल्स हैं, दो मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल, एक का रिडक्शन पोटेंशियल जैसे मान लेते हैं सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो है 1.1। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पोटाशियम के रिडक्शन वैल्यू की पॉइंट की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 1.9 वोल्ट। इट मींस पोटाशियम जो है जब रिड्यूस होगा वो ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पोटाशियम जल्दी रिड्यूस हो जाएगा सोडियम से, ओके। तो जो ई नॉट वैल्यूज हैं दैट विल गिव यू द हिंट अबाउट दी केमिकल रिएक्टिविटी। तो ये ई नॉट से रिलेटेड कंसेप्ट ही था जो हमारा कल रह गया था, ओके। चलो नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आपको पता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। जैसे मैंने हर एग्जाम्पल कुछ एक कंपाउंड का लिया हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे स्कैंडियम जो है वो अपने ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्लस थ्री स्टेट में, ओके। ये मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स लिए हुए हैं कि वो कौन कौन से ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ट्राइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ओके। और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये जो उनके सामने लिखी हुई है वो है,
तो इट मीन्स टाइटेनियम प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू, ये तीन तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। वनेडियम प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू, ये चार तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मैंगनीज जो है वो प्लस सेवन प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है इन इट्स क्लोराइड्स। ओके, सिमिलरली अगर मैं हैलाइड्स की बात करूं, ओके तो हैलाइड्स भी जो आपके पास ग्रुप डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके जो हैलाइड्स हैं, जैसे क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड, क्रोमियम पेंटाफ्लोराइड, क्रोमियम टेट्रा हैलाइड, हैलाइड में यहाँ पे जैसे क्रोमियम की प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ फ्लोरीन ला सकता है, बट अगर कोई और हैलाइड होगा तो वो प्लस फोर तक तो ले ही जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्या डेजिग्नेट कर रहा है, एक्स इज डेजिग्नेटिंग हेयर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन क्रोमियम को अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जाता है, बट अगर कोई और हैलाइड है तो वो प्लस फोर तक ही ले जा सकता है। ओके, यहाँ पे एक्स हैलाइड है, क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। ओके, और ये उनके सामने उनके ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कट शॉर्ट में कहने की बात यह है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करी है, दिस इज दीज आर कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। डी ब्लॉक में जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसके कंपाउंड्स की बात हुई है ये, और उनके सामने उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी है। ओके, तो दैट्स इट। उसके बाद अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स। फ्रॉम द स्टडी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट, क्या हमें पॉइंट्स देखने को मिले हैं, ये जो हमने कुछ एक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टडी कर ली, अब इसमें से हमें क्या मेन मेन पॉइंट देखने को मिले हैं। एक मेन पॉइंट देखने को मेरे को ये मिल रहा है कि प्लस टू स्टेट जो है वो हर एलिमेंट शो कर रहा है। ये देखो, हर एलिमेंट जो है वो प्लस टू स्टेट तो शो करता ही है ना फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। ओके, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस टू, पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट से जो हमें पता लग रहा है। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मेटल इज प्रेजेंट इन प्लस टू एंड प्लस थ्री स्टेट, जितने भी आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं अगर वो प्लस टू और प्लस थ्री स्टेट में हों तो वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बट अगर अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आपको पता है अगर कटायन का चार्ज बढ़ता जाएगा, फजान रूल क्या कहता है, यहाँ पे साथ में लिख दो फजान रूल, फजान रूल। ठीक है, फजान रूल हमें क्या कहता है कि अगर आप का जो मेटल कटायन है उसका चार्ज बढ़ता जाएगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर हाई होने की वजह से जो बॉन्ड है वो कोवलेंट कैरेक्टर उसमें बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अगर वो प्लस टू और प्लस थ्री स्टेट में है मेटल जो कि लो पॉजिटिव चार्ज है अकॉर्डिंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उस टाइम जो है वो आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा उसके बॉन्ड का। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती जाएगी तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं मैंगनीज ऑक्साइड और मैंगनीज हेप्टोक्साइड, ये जो है इन दोनों में से ज्यादा कोवलेंट नेचर के बॉन्ड किसके होंगे, किसके, जिसमें मैंगनीज प्लस सेवन स्टेट में, ये कोवलेंट नेचर का है और ये आयनिक नेचर का है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक नेचर का है और इनके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज ऑफ कोवलेंट नेचर। ओके, उसके बाद एलिमेंट्स इन मिडल और नियर मिडल शो ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें ये भी देखने को मिला यहाँ पे देखो कि जो एलिमेंट मिडल में है डी ब्लॉक के उनकी देखो ज्यादा वेराइटी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट डिफरेंट आती है, देखो कितनी सारी आ रही है। ज्यादा वैरायटी किसमें आ रही है, जो नियर द सेंटर है, और जो टर्मिनल्स पे हैं उनकी एक आधी ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है, एक दो, ज्यादा नहीं आती। पर जैसे जैसे मिड में आ रहे हैं, मिड में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर शोइंग वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, देर आर सो मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मैंगनीज प्लस सेवन प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, लाइक दिस टाइप ऑफ ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। ओके, इन अ ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स The higher oxidation states are most stable for heavier elements. अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं किसी ग्रुप की बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जैसे किस ग्रुप की बात करूं, लेट अस से ग्रुप नंबर, अगर मैं बात करूं लेट अस से ग्रुप नंबर फोर की बात करते हैं, ग्रुप नंबर फोर में क्या कौन आता है, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफनियम। ओके,
और मान लेते हैं कि इनकी प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, तो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे स्टेबल किसके लिए होगी, सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए होगी, हॉफनियम के लिए। ओके, तो यहां से इसका मतलब ये बनता है कि अगर मैं बात करूं इन अ ग्रुप ऑफ अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ज्यादा हायर, जैसे प्लस फोर हाइएस्ट है, जो ग्रुप फोर है उसके लिए प्लस फोर इज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोस्ट स्टेबल किस में होगी, हैवियर एलिमेंट्स के केस में। ओके, अगर मैं पूछूं टाइटेनियम जर्कोनियम और हॉफनियम, इनमें से प्लस फोर स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल किसकी होगी, हॉफनियम की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है, ट्रांजिशन मेटल्स ऑल्सो शो लो ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स हैविंग लिगेंड्स लाइक कार्बन मोनोक्साइड विच नॉट ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद मेटल एटम बट ऑल्सो हैव पाई एक्सेप्टर करैक्टर। ओके, जिन्होंने तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ लिया हुआ है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले लीगेंड क्या होता है, जो मेटल के साथ डेटिव बॉन्ड बनाए। डेटिव बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक के होते हैं बट शेयर दोनों करवाते हैं। ओके, तो जो देता है इलेक्ट्रॉन उसको लीगेंड बोलते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन जिसके जो कंट्रीब्यूट करता है कोवलेंट बॉन्ड के लिए, और जो मेटल है वो एज अ एक्सेप्टर काम करता है यहाँ पे। ओके, तो जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है डेटिव बॉन्ड, ठीक, तो ये हो गया डेटिव बॉन्ड। अब वापस आते हैं इस पे कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स ऑल्सो शो लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स भी बनाते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाएंगे। ओके, इन सम कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स हैविंग लिगेंड्स, किनमें बनाते हैं, जिनमें लिगेंड जो है वो कैसा हो, कार्बन मोनोक्साइड जैसा हो। अब इस कार्बन मोनोक्साइड में क्या खास बात है, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही नहीं बनाता, ये वाला, इसको कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ओके, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता, ये इसके साथ मेटल के साथ पाई बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी भी रखता है। वो कैसे रखता है, वो बैक बॉन्डिंग होती है जिसमें आपके पास साइड वेज ओवरलैपिंग होनी भी शुरू हो जाती है। ओके, जिसमें मेटल का फिल्ड ऑर्बिटल लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करवाने शुरू कर देता है। ओके, तो ये पाई बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी भी रखता है, क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड में एम्प्टी पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि मेटल्स के साथ, मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल के साथ जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग करवा के पाई बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर लीगेंड आपका पाई एक्सेप्टर लीगेंड हो, पाई एक्सेप्टर लीगेंड किसको बोलते हैं, जो मेटल के साथ पाई बॉन्ड भी बना सकता है, सिग्मा तो बनाएगा बनाएगा बट उसके साथ साथ पाई भी बना सकता है, लाइक कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है। ऐसे वाले लिगेंड्स मेटल को उनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल फॉर्म में रख सकते हैं। ओके, लाइक निकल जो है अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है कंपाउंड्स की फॉर्म में, हालांकि कंपाउंड की फॉर्म में निकल हमेशा प्लस टू बना ही देता है, बट कार्बन मोनोक्साइड एक ऐसा लिगेंड है जो निकल को उसकी जीरो स्टेट में ही रख के उसके कंपाउंड बना रहा है। ओके, तो इसकी बात हुई है इस पॉइंट में। सिमिलरली आयरन भी या तो प्लस टू बनाता है या प्लस थ्री बनाता है, बट जो आयरन कार्बोनेट है पेंटा कार्बोनेट, ठीक है, क्लियर, नॉट कार्बोनेट सॉरी, आयरन पेंटा कार्बोनिल, इसके केस में आयरन की ऑक्सीजन स्टेट जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि जो कार्बोनिल लिगेंट है वो उसको जीरो स्टेट में रखते हुए ही उसके साथ कंपाउंड बना जा रहा है। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि कॉपर जो है वो मोस्टली प्लस टू वाले कंपाउंड ही बनाता है, बट क्लोराइड एक ऐसा लिगेंड है जो कॉपर को प्लस वन स्टेट में भी रख सकता है। ओके, तो ऐसे वाले लिगेंड जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड हों, वो ट्रांजिशन मेटल्स को उनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स भी बनाने में हेल्प कर सकते हैं, बीइंग अ पाई एक्सेप्टर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास लास्ट पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मेटल की सॉल्वेंट के अंदर किस फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी वो डिपेंड करता है कि कौन से सॉल्वेंट की बात हो रही है। जैसे आपको पता है कॉपर प्लस वन वाटर में स्टेबल नहीं होता। ओके, कॉपर प्लस वन में अगर आप वाटर में यूज करोगे तो हमेशा वो ऑक्सीडाइज होकर कॉपर प्लस टू बन ही जाएगा, विच इज स्टेबल इन दी वाटर। ओके, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जो आपको मेटल्स के लिए पता होने चाहिए। ओके, क्लियर, एक तो अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो उसका
कोवलेंट करेक्टर होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, आयनिक होने के चांसेस घटते जाएंगे, एलिमेंट्स जो मिडल में है वो जो है वो ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एग्जाम्पल हमने देखा मैंगनीज और क्रोमियम का। उसके बाद जो मेन में पॉइंट्स उसको कवर कर रहा हूँ, ट्रांजिशन मेटल्स अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बना सकते हैं, शर्त ये है कि जो आपके पास लीगेंट है जो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने या कंपाउंड बनाने आ रहा है, दैट शुड बी अ पाई एक्सेप्टर लीगेंट। अगर नहीं पता लगा अभी भी पाई एक्सेप्टर लीगेंट, तो जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये पाई एक्सेप्टर लीगेंट का कंसेप्ट है, ओके, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पाई एक्सेप्टर लीगेंट, ओके। अभी तक इतना जान लो कि कार्बन मोनोक्साइड एंड क्लोरीन, दीज आर पाई एक्सेप्टर लीगेंट, ओके। पाई एक्सेप्टर लीगेंट के साथ जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बना जाते हैं, ओके। जरूरी नहीं कि उनको हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में आने की जरूरत है, जैसे निकल देखो और आयरन देखो जीरो स्टेट में ही बना गया कंपाउंड, ओके। और मेटल किसी सॉल्वेंट में कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में शो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो डिपेंड करता है कि उस सॉल्वेंट में उस पर्टिकुलर मेटल की कौन सी ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल है। जैसे कॉपर प्लस वन शो नहीं कर पाता, वाटर में प्लस टू में आ जाता है, ओके। सो ये थे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड पॉइंट। अब एक क्वेश्चन है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज दिस। ऑक्सीडाइजिंग पावर ये ऑर्डर में है, मतलब जो मैंगनीज है, ये मैंगनेट आयन है, इसमें मैंगनीज प्लस सेवन स्टेट में है, इसमें क्रोमियम प्लस सिक्स स्टेट में है, इसमें वेनेडियम प्लस फाइव स्टेट में है, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे हाई है, इसकी ऑक्सीडेशन पावर सबसे लो है, क्यों, रीजन क्या है, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। सेंट्रल मेटल जितना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उतना ही चांसेस होंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट करेगा, जितनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो जिससे एक्सेप्ट करेगा उसको उतनी ही जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, ओके, क्लियर। तो मैंगनीज जो है वो प्लस सेवन स्टेट में है तो ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके दूसरे को जल्दी से जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा। वेनेडियम प्लस फाइव में है तो ये क्या करेगा, ये इतनी ईगरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा जितनी ईगरली मैंगनीज करेगा, ओके। एक तो ये रीजन हो गया, दूसरा इनका रीजन पढ़ लेते हैं, वो क्या है, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीसीज टू विच दे आर रिड्यूस, ठीक है, कि ये जो है अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली स्पीसीज में ज्यादा स्टेबल है। बात वही बन गई जो मेरे वाला रीजन है वो वाला आप दे सकते हो उसमें, इसमें मैंगनीज प्लस सेवन स्टेट में है तो ये बहुत हाई पॉजिटिव स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करेगा, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो जिससे एक्सेप्ट करेगा उसका तो इलेक्ट्रॉन गया ना, तो इसको क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडाइज। और इसमें वेनेडियम प्लस फाइव स्टेट में है, प्लस फाइव स्टेट में वो उतना इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा जितना प्लस सेवन में मैंगनीज करेगा, ओके। तो इसलिए जो प्लस फाइव में है इट इज नॉट वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेरिजन टू मैंगनेट आयन, ओके। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है एक, ये भी हो गया। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं और क्यों होती हैं, ये पढ़ेंगे अभी। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ज्यादातर कैटलिस्ट उन्हीं के होते हैं, जितने भी कैटलिस्ट यूज होते हैं आप करके देख लेना, या तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या तो उन्हीं के कंपाउंड होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवाने की टेंडेंसी रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करवा सकते हैं, तो दैट्स व्हाई उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहाँ ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ कहाँ एज अ कैटलिस्ट यूज होती हैं, जैसे वेनेडियम इन फॉर्म ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमने पढ़ा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो मैन्युफैक्चरिंग H2SO4 में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, ओके। जैसे आयरन यूज होता है हेबर्स प्रोसेस में, हेबर प्रोसेस क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलके अमोनिया बनाना, दिस इज कॉल्ड एज द हेबर्स प्रोसेस। और उसमें मॉलिब्डेनम भी यूज होता है, मॉलिब्डेनम जो है वो आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो मॉलिब्डेनम भी डी ब्लॉक एलिमेंट है और आयरन भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। और बाकी वैसे भी ये हैं, ये वाले सारे आप एक बार पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ ऐसा कैटलिस्ट यूज होते हैं, ओके। इनके कैटलिस्ट की तरह यूज होने का रीजन क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द डिफरेंट रीजंस
एज टू वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट आर आउटलाइंड बिलो. फर्स्ट पॉइंट इज द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्रोबेबली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स एंड हेंस पोजेसेस द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एंड रीएमिट वाइड रेंज ऑफ एनर्जीज. दिस मेक्स दी रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अवेलेबल. ओके, जैसे कि आपको पता है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, प्रोसीड होने के लिए एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. इस रिएक्शन को, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए शुरू में. ओके, वो एनर्जी कैसे आती है? लाइट की फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स में हो सकती है एनर्जी आप दे सकते हो. ठीक है, बट जब आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट लेते हो, आपने पढ़ा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट में से. क्यों करते हैं एब्जॉर्ब? ठीक है, अभी तक इतना मान लो कि डी समझ इतना जान लो कि डी ब्लॉक जिनमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे वाले एलिमेंट्स और ऐसे वाले एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स, वो लाइट में से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके, क्लियर? क्योंकि हीट एनर्जी जब देते हैं तो हीट एनर्जी के केसेस में लॉस बहुत ज्यादा होते हैं, बट लाइट के केस में लॉस नहीं होता. लाइट के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है वो एज सच लाइट का मॉलिक्यूल पकड़ लेता है. ओके, ये मॉलिक्यूल ने लाइट का मॉलिक्यूल पकड़ लिया और मान लो रिएक्शन के लिए यहाँ पे इसके लिए एनर्जी चाहिए, वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, अब ये मॉलिक्यूल सिलेक्टिवली यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को रिएक्शन में यूटिलाइज करवाने वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके वो यहाँ पे सप्लाई कर देगा. ये सारा काम कौन कर रहा है? डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि उनमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं और इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनके केस में उनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है. ओके, और उस एनर्जी को वो लाइट से रिएक्शन एनर्जी में कन्वर्ट करके रिएक्शन को दे देते हैं करवाने के लिए. ओके, एक तो रीजन ये है, ठीक है, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है? वो दूसरा रीजन है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी. ये हम पहले भी थ्योरी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कैटालिसिस में. इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी कहाँ पे है? जैसे मान लो कि आपके पास इसका मैकेनिज्म क्या है, जैसे मैंने बोला ना कि ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, बट अगर आपका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाए विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, वो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो लो एनर्जी का बनता है, जिसकी वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो कम हो जाता है. ये एनर्जी बैरियर अगर कम हो गया, इसके लिए अगर आपको कम एनर्जी देनी पड़ी इसको क्रॉस करवाने के लिए, तो उसका एडवांटेज कहाँ मिलेगा? रिएक्शन में, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो पाएंगे प्रोडक्ट में. ठीक है, जैसे मान लो आज आपके पासिंग मार्क 35% है केमिस्ट्री में, जिस बच्चे के 35% से ऊपर आएंगे वो पास है, जिससे जिसके नीचे होंगे वो केमिस्ट्री में फेल है. बट अगर मान लो कल को सीबीएसई 25% कर देती है तो ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे पास होंगे ना, क्योंकि जो बैरियर है उसकी वैल्यू नीचे आ गई, जो मार्क्स का बैरियर था पास होने के लिए उसकी वैल्यू नीचे आ गई, जिससे क्या हो रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे पास हो रहे हैं. ओके, तो सिमिलरली आपका जो कैटलिस्ट है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट का कैटलिस्ट है, वो अपनी वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है विद वन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है दे विल प्रोवाइड अ न्यू पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, क्लियर? फर्दर दे गेट डिकम्पोज्ड ऑन रिएक्शन विद द अदर रिएक्टेंट रीजनरेटिंग द कैटलिस्ट. और ये वाला जो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ प्रोड्यूस करके जब एंड में प्रोडक्ट बनने वाला होता है, वो दोबारा वापस से कैटलिस्ट की फॉर्म में बन जाते हैं, जिससे क्या होता है ना तो कैटलिस्ट की वेस्टेज होती है और आपका प्रोडक्ट भी रेडी हो गया. क्लियर? जैसे रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट कंबाइन होके उसने एक इंटरमीडिएट बनाया जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं या इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड भी बोल सकते हैं. और ये वाला जो कंपाउंड है ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर गया, जिसमें से ये कैटलिस्ट बाहर निकला और वाई को इजिली इसके साथ जुड़ गया, अदरवाइज एक्स और वाई इतनी इजिली नहीं जुड़ रहे थे. ठीक है, क्लियर? तो इसकी वजह से एक्स वाई बन गया और कैटलिस्ट दोबारा से प्रोड्यूस हो गया. ओके, क्लियर? जैसे
हाउ द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल हेल्प्स द रिएक्शन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट मे बी सीन फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन SO2 एंड O2 टू फॉर्म SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये स्टेप यूज होता है जिसमें SO2 से SO3 कन्वर्ट करना होता है हमें, उसके बाद ही H2SO4 प्रोड्यूस होता है. तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैसे हेल्प करता है इन दोनों को कंबाइन करने में? वेनेडियम पेंटॉक्साइड पहले SO2 को कन्वर्ट कर देता है SO3 में, ओके, और खुद अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है B2O4 में, B2O5 से B2O4 में कन्वर्ट हो गया खुद. और बाद में ये जो B2O4 से ऑक्सीजन लेके दोबारा B2O5 की फॉर्म में बन जाता है. तो मतलब इसने अल्टीमेटली SO2 को अपनी ऑक्सीजन दे दी, इसने बोला कोई नहीं तू रख, तू SO3 में कन्वर्ट हो, मैं ऑक्सीजन O2 से ले लूंगा. तो हमें एक्चुअल में बाहर में ये लग रहा है कि SO2 और O2 हम रिएक्ट हो रहे हैं, ओके, जिससे SO3 बन गया. हेल्प किसने करी? V2O5. और ये हेल्प क्यों कर पाया? क्योंकि यहाँ पे ये वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. V2O5 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, V2O4 में इसकी ऑक्सीजन स्टेट +4 है. तो अगर ये कैपेबिलिटी ना होती इसकी ये वाली दो स्टेट शो करने की, तब ये एज अ कैटलिस्ट एक्ट नहीं कर पाता, ओके. एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये +4 से दोबारा +5 स्टेट में आ गए, ओके. एंड सिमिलरली एक और एग्जांपल है, इसको भी आप देख सकते हो, ओके. तीसरा एक और रीजन है कि कुछ एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, वो रीजन है वो एडसॉर्प्शन थ्योरी से क्लैरिफाई होता है. इन अ नंबर ऑफ केसेस द ट्रांजिशन मेटल प्रोवाइड अ सूटेबल लार्ज सरफेस एरिया विद फ्री वैलेंसेस ऑन विच द रिएक्टेंट्स आर एब्जॉर्ब. एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीजेस, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. एड्सॉर्प्शन थ्योरी में हमने पढ़ा था ना कि उनकी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होती है, सरफेस के ऊपर फ्री वैलेंसीज होती हैं मेटल की सरफेस के ऊपर, ट्रांजिशन मेटल की सरफेस के ऊपर. रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट होना चाहते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड बनता है, दोबारा से डिजॉर्ब हो जाते हैं और आपकी जो मेटल की सरफेस है वो फ्री हो जाती है. ये मेटल की सरफेस है, ओके. तो ये तीनों थ्योरीज जो हैं, ये तीनों थ्योरीज ट्रांजिशन मेटल को ही बता रही हैं कि ट्रांजिशन मेटल में वो सभी कैपेबिलिटीज होती हैं जो कि एक कैटलिस्ट होने के लिए जरूरी है. या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दोबारा रिएक्शन में प्रोवाइड कर रहे हो किसी तरीके से, ओके, या तो वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहे हो लो एनर्जी का जिससे क्या हो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, ओके, या तो वो एड्सॉर्प्शन करवाने में हेल्प करते हैं ड्यू टू देयर लार्ज सरफेस एरिया एंड फ्री वैलेंसेस ऑन दिस सरफेस. इसकी वजह से इन ये तीनों पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक बढ़िया कैटलिस्ट बनाने में हेल्प करते हैं, ओके, क्योंकि इन तीनों में खरा उतरता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ओके. वो डिपेंड आपके रिएक्शन के ऊपर करता है कि आपको कैसा चाहिए, आपको ऐसा आपका रिएक्शन ऐसा है जिसको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी से जल्दी करवाया जा सकता है, कि आपका रिएक्शन ऐसा है जिसको एड्सॉर्प्शन थ्योरी की हेल्प से जल्दी करवाया जा सकता है. तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आप कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट लोगे फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन एज अ कैटलिस्ट. नेक्स्ट आपके पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से आप मतलब समझते हो ना कि दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, या तो पैरामैग्नेटिक होगा वो, पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, या तो वो डायामैग्नेटिक होगा, मतलब या वो अट्रैक्ट नहीं होगा. डायामैग्नेटिक कोई सब्सटेंस कब होता है? जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ओके. और पैरामैग्नेटिक कब होता है? जब उसमें एटलीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक तो हो, ओके. और पैरामैग्नेटिक में आगे भी टाइप्स आती हैं जैसे फेरोमैग्नेटिज्म, ओके. फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है जो सब्सटेंस बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होता है टुवर्ड द मैग्नेट, उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक. मतलब ये पैरामैग्नेटिज्म की ही टाइप है, ओके. तो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं? उनका रीजन है, डायमैग्नेटिक होने का रीजन है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होना इन एन एटम. पैरामैग्नेटिक होने का मतलब है कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना इन एन एटम, ओके. जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं उनकी वजह से क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन हमने बोहर मॉडल में पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन दो तरह के मोशन कर रहा होता है, दो तरह से चार्ज पार्टिकल के मोशन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ये आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता ही होता है, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है.
इतना तो आप जानते हो। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर दो तरह की मूवमेंट्स करवा रहा होता है। एक तो करवा रहा होता है वो स्पिन मूवमेंट, जैसे बॉल घूम रही होती है, मान लो आपने बॉल, जैसे वो नहीं स्पिनिंग टॉप घूमता है लट्टू, ठीक है, एक तो वो वाला मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होता है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा मोशन वो करवा रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग, अगर बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग बोले। ओके, तो दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है उसका ऑर्बिटल मोशन, एक होता है उसका स्पिन मोशन। ओके, इन दोनों मोशंस की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, करता ही है, मतलब करता ही है वैसे तो, ठीक है, बट अगर ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है ये फुली फील्ड है, तो इसके कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इसको, ये वाला जो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना इज दी बेसिक कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू शो पैरामैग्नेटिज्म। ओके, क्योंकि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा फिर इसको, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। ओके, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आ जाता है तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, इसलिए वो सारी की सारी स्पिन आपस में एक दूसरे की कैंसिल कर देते हैं। ओके, और अभी तक आपको पता लग गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा सकता है, एक तो अपने ऑर्बिटल मोशन के कारण, दूसरा अपने स्पिन मोशन के कारण। ओके, और उसका जो ऑर्बिटल मोशन तो छोड़ो, अभी ये हाई कंसेप्ट वाली बात है कि ऑर्बिटल मोशन के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, क्लियर, ये तो हाई कंसेप्ट वाली बात है, ये अभी आपको आएगा बनी। स्पिन के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है आपके पास कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फॉर्मूला क्या है आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको बोलते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला, जिसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकल रही है जो कि आपके सब्सटेंस के मैग्नेटिक करेक्टर को डिफाइन करेगी कि आपका सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। इससे जो है इसमें ये जो n की वैल्यू है वो सिर्फ स्पिन के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रही है, जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिन की वजह से कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगी। ओके, क्लियर। हालांकि ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रोटेट कर रहा होता है उसकी वजह से भी, उसके कारण एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से भी जनरेट होगा। ओके, बट अभी ये ऑर्बिटल मोशन आपके सिलेबस में नहीं। ओके, क्लियर। तो इट मींस अभी तक अगर आपको कोई पूछ ले कि किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है वो कैसे निकालना है, यू विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके, हालांकि जब ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो जाए ना इलेक्ट्रॉन की, तो इसी फॉर्मूला में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होती है, ठीक। वो मॉडिफिकेशन कब, क्यों, कैसे, कितनी करनी होती है वो हायर लेवल की बात है। ओके, बट मैंने ये अभी आपको पॉइंट इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अपने दो मोशंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक तो अपने स्पिन मोशन की वजह से, दूसरा अपने ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ठीक है। बट सिर्फ स्पिन मोशन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके लिए फॉर्मूला ये है, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट से ही कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो डिसाइड होता है। ओके, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये सभी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट सीरीज के लिए सभी प्लस थ्री वाले जो कटायन है, ठीक है, प्लस थ्री वाले और प्लस टू वाले जो भी वो मेजरली शो करते हैं, उनके लिए उनकी, उनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक मूवमेंट बनती है बाय फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला वो निकाल के रखी हुई है, और एक्चुअल में वो कितनी शो करते हैं वो उनके सामने लिखी हुई है, ठीक है, ये देखो। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो कैलकुलेटेड वैल्यू है मैग्नेटिक मूवमेंट की, ओके, और जो उनकी एक्चुअल में ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, और ये कैलकुलेट कैसे करी है, बाय यूजिंग स्पिन ओनली फॉर्मूला, ये वाला। ओके, तो आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो जितने भी आयंस बनते हैं, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मेटल्स हैं उनके जितने भी आयंस हैं उनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उनकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से ही होती है। ओके, क्योंकि उनके केस में उन इलेक्ट्रॉन्स का, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ऑर्बिटल मोशन जो होता है वो क्वेंच हो जाता है। ऑर्बिटल मोशन क्वेंच होने का मतलब क्या है कि ऑर्बिटल मोशन वो उस टाइम नहीं करवा रहे होते, उस टाइम वो सिर्फ स्पिन वाला मोशन करवा रहे होते, ऑर्बिटल में मूव नहीं कर रहे होते,
ऑलमोस्ट स्टेडी होते हैं। उस टाइम आपके पास अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं करवा रहा, मतलब ऑर्बिटल में मूव ही नहीं कर रहा, तो ऑब्वियस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी, वो सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करेगा। और उसका फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए, ये फॉर्मूला, ओके। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सिर्फ स्पिन ओनली फॉर्मूला से ही आपके पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है वो आ रही है। इट मीन्स जो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो कटायंस हैं, एलिमेंट्स के जो कटायंस हैं, वो उनमें जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो उनका ऑर्बिटल मोशन क्वेंच हो चुका है। ओके, ऑर्बिटल मोशन इज, यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑर्बिटल मोशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेड वाले हैं इज क्वेंच्ड। तो क्वेंच का मतलब होता है खत्म हो गया, मतलब वो बिल्कुल ही अभी रुक हिंडर हो रखता है, इसलिए वो ऑर्बिटल मोशन शो नहीं कर पा रहे। ओके, इसलिए उनकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है विच इज कैलकुलेटेड बाय द स्पिन ओनली फॉर्मूला, और वही ऑब्जर्व्ड वैल्यू उतनी ही आ रही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। जिनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है, इनके केस में थोड़ा बहुत ऑर्बिटल मोशन शो करवा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट जो ऑर्बिटल मोशन के कारण आ रही है वो भी एड अप हो रही है। आगे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ डायवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। अगर एटॉमिक नंबर 25 है तो उसके डायवेलेंट आयन, डायवेलेंट में आयन मतलब जैसे मेटल है, उसका डायवेलेंट आयन कौन सा होगा, M+2, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी ये निकालो। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि उसके M+2 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे। सबसे पहले ये निकालो 25 एटॉमिक नंबर वाला है कौन सा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज है ये, मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होती है, 3d5 4s2। और जब ये मैंगनीज से Mn+2 बनेगा तो होगा क्या, ये बाहर वाले दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या बनेगी, 3d5। 3d5 का मतलब क्या है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5। तो इसके लिए n इक्वल टू कितना आया, 5। n = 5 की वैल्यू पुट करोगे तो कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट बन रही है, 5.92 बोहर मैग्नेटन। ओके, और कई बार रिवर्स भी करना पड़ता है। रिवर्स का क्या मतलब हुआ, कई बार आपको क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, देयर इज अ कैटायन विच इज हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज 5.9 बोहर मैग्नेटन, बताओ उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तब आप क्या करोगे, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, √n(n+2) ना। अब आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखी है दैट इज 5.9, आप इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को n के लिए, और उसके लिए n निकाल लोगे, वहां से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे इसके लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पड़ेगी, आपको पता है 5.9 इसका स्क्वेयर होगा, ये होगा 35 का स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर आएगा 35, सॉरी उल्टा बोल गया, इसका स्क्वेयर आएगा 35 इक्वल टू n² + 2n। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो फॉर n, n की वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, n की दो वैल्यूज आएंगी ना इसके लिए, तो उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है जिसमें आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दी हो और उससे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हो। ओके, तो उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाओ, आपको पता लग गया। नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल के जो सॉल्ट हैं, ठीक है, वो कलर्ड ही होते हैं। जैसे टाइटेनियम जो +3 वाले कंपाउंड हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, क्रोमियम जो +3 वाले कंपाउंड हैं वो वायलेट कलर के होते हैं, एक्वस में, वाटर में उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो आयरन के +2 वाले कंपाउंड हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, जो आयरन के +3 वाले कंपाउंड हैं वो येलो कलर के होते हैं इन वाटर, उनका कलर बता रहा हूं मैं। कॉपर के +2 वाले कंपाउंड, ये तो कॉपर वाला तो बड़ा कॉमन एग्जांपल है जो 10th में पढ़ते थे, कॉपर के +2 वाले जितने भी सॉल्ट हैं वो ब्लू कलर के होते हैं इन वाटर। ओके, तो हाउ दिस कलर इज डिसाइडेड, ये कलर कैसे डिसाइड हुआ। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, ये जो आयंस हैं वो वाटर में कलर्ड क्यों है कैसे पता लगता है, उसका रीजन है, अब इसमें भी वैसे
हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जाना पड़ेगा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने पढ़ी हुई है। ओके तो फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी तक नहीं पढ़ा उनको एक्सप्लेन करने की। मेटल के अराउंड जब लीगेंड आते हैं, ठीक है, लीगेंड कौन से? वाटर। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Fe+2 आयन, जब आप इसको वाटर में डिजोल्व कर दोगे तो ये एज सच नहीं रहेगा। होगा क्या, Fe+2 आयन के अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल आके डेटिव बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं। ऐसे ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो Fe+2 आयन के साथ डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं। ओके और ज्यादातर वो कौन सी ज्योमेट्री बनाते हैं? ऑक्टाहेड्रल, मतलब एक आयन के अराउंड 6 वाटर के मॉलिक्यूल एज अ लीगेंड एक्ट करेंगे। लीगेंड कैसे एक्ट करेंगे? वो अपना लोन पेयर जो है वो डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए आयरन के साथ शेयरिंग करवाएंगे ऐसे करके। ओके तो ऐसे बन जाता है आपके पास Fe+2 और सॉल्वेंट विच इज वाटर, उसका एक कॉम्प्लेक्स सा बन गया, ठीक है, ये जो बना था। ओके उस कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से क्या होता है, जो Fe+2 में डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी आपको पता है डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो पांचों जो हैं वो होते हैं डी जनरेट, क्योंकि उनकी सेम एनर्जी होती है। डी जनरेट होने का मतलब है वो पांचों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं। ओके बट जब 6 वाटर के लीगेंड उसके सराउंडिंग में लगते हैं Fe+2 के, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उन 6 लीगेंड जो वाटर उसके सराउंडिंग में इकट्ठे हो रखे हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके जो पांचों डी ऑर्बिटल जो डी जनरेट थे उनके 2 लेवल बन जाते हैं, 3 एक लेवल में, 2 एक लेवल में। ओके मतलब 3 डी ऑर्बिटल लो एनर्जी वाले हो जाते हैं, 2 डी ऑर्बिटल हाई एनर्जी वाले हो जाते हैं। ओके और इनके बीच में एक गैप सा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और मान लेते हैं जैसे अगर मैं बात करूं Fe+2, Fe+2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? डी में D6, उसमें डी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना Fe+2 आयन में, तो डी में जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो अब कैसे फिल होंगे? अब वो मान लो ऐसे फिल्ड है लाइक दिस, ओके ऐसे फिल्ड है। ओके बट इनके बीच में ये जो गैप है, ये वाला गैप जो है, अगर इस गैप की जो वैल्यू है वो विजिबल लाइट की किसी लाइट के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग हुई, जैसे आपको पता है विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं। ओके कौन कौन से? विबग्योर, आपने पढ़ा हुआ ना, ठीक। ये जो एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच में, ये अगर किसी एक कलर के साथ, एक कलर की एनर्जी के साथ मैच कर गया, तो जब उस कलर वाली लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो उस लाइट की वजह से क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा T2g से निकल के Eg में, ठीक है, और वो वाली लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके जैसे मान लो ग्रीन कलर की लाइट का जो लाइट की जो एनर्जी थी वो इस गैप के कॉरेस्पॉन्डिंग थी, तो जब भी आपने विजिबल लाइट फॉल करवाई, आपने अपनी तरह से व्हाइट लाइट फॉल करवाई, ओके Fe+2 आयन के ऊपर, उसने ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर ली इस ट्रांजिशन को करवाने के लिए, तो उसने आपकी व्हाइट लाइट में से अगर ग्रीन कलर निकल जाए, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब हो गया इस ट्रांजिशन को करवाने में, अगर वो ग्रीन कलर निकल जाए आपका, तो आपकी जो व्हाइट लाइट है उसका कलर व्हाइट ही रहेगा। अगर मान लो इसमें से ये व्हाइट लाइट आपने पास करवानी है, ओके उसमें से ग्रीन कलर इस कंपाउंड ने जो इसमें है जिसका सोल्यूशन बन रखा है उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो जो कलर ट्रांसमिट होगा वो ग्रीन ही होगा? नहीं, क्योंकि व्हाइट लाइट में से आपको पता है व्हाइट लाइट की कंपोजिशन का एक भी कलर निकल गया ना तो वो व्हाइट नहीं रहेगी, उसका कलर आ जाएगा। ओके तो इसकी वजह से जितने भी मोस्ट ऑफ दी मेटल्स, मेटल के जो आयन बनते हैं डी ब्लॉक में, उनमें डी में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। ओके और इन इलेक्ट्रॉन्स, ये जब इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब इनको आप वाटर में डिजोल्व करते हो, तो वाटर में डिजोल्व करने की वजह से जो उसके डी ऑर्बिटल है उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, क्योंकि वाटर उनमें एज अ लिगेंड एक्ट करता है। ओके और आपके पास ये जो 2 लेवल बन जाते हैं, इनके बीच में व्हाइट लाइट जब इनके ऊपर पड़ती है, इनके बीच में ट्रांजिशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो आयंस बनते हैं ये व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब व्हाइट लाइट में से कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ट्रांसमिटेड कलर जो है वो अकॉर्डिंगली आता है। ओके कैसे आता है उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं कलर व्हील। ओके अब ये कलर व्हील क्या है इसकी बात समझते हैं।
जैसे आपको, जैसे अगर मैं बात करूं ये वाला, ये कॉपर का सोल्यूशन ब्लू नजर आ रहा है, कॉपर प्लस टू आयन का सोल्यूशन है ये ब्लू क्यों नजर आ रहा होगा? ठीक है, ब्लू इसलिए नजर आ रहा होगा क्योंकि इसने व्हाइट लाइट में से ऑरेंज व कलर वाली लाइट एब्जॉर्ब कर ली है। ओके, फिर अब मेरे को कैसे पता लगा इसने ऑरेंज एब्जॉर्ब करी है? कलर तो इसका ब्लू है, जो कलर आएगा उससे ऑपोजिट वाला कलर एब्जॉर्ब होता है। अब ऑपोजिट किसके रिस्पेक्ट में? ऑपोजिट रिस्पेक्ट में कलर व्हील के। वैसे ज्यादा इलेबोरेटेड कलर व्हील ये है, बट स्टूडेंट्स के लिए मैं यही वाला प्रेफर करता हूँ, जो वो खुद भी बना लें। इसको कैसे बनाते हैं? बिबग्योर पढ़ा है ना आपने, इंडिगो वाला कलर निकाल दो, ऐसे बना दो, VBGYOR। ठीक है, एक सर्कल बना के उसमें छह सेक्शन क्रिएट करो, कहीं से भी BBGYOR ऐसे लिख दो। ठीक है, ये बन गया आपका कलर व्हील। अब अगर आपके कंपाउंड का कलर ब्लू है, इसका मतलब ब्लू के ऑपोजिट वाला देखो कलर कौन सा है, ऑरेंज, इसका मतलब उसने ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया। ओके, क्लियर? इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो। मान लो आपको किसी ने बता दिया कि ये जो आपका मेटल आयन है ना, इसका जो सोल्यूशन है ये व्हाइट लाइट में से येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर येलो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कलर कौन सा आएगा आपको, इसका कलर कैसा दिखेगा? वायलेट। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील डायग्राम होता है। ओके, कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा उससे ऑपोजिट वाला कलर आपको नजर आएगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड का, जब उसको आप देखोगे विद योर नेक्ड आई। ओके, क्लियर? अगर वैसे मोस्ट लेबोरेटेड कलर देखने हैं तो वो ये है कलर व्हील, जिसमें आपको दिख रहा है कि ये जो येलो ग्रीन है, अगर ये वाली लाइट एब्जॉर्ब होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर कौन सा होगा? मॉव्स। ओके, तो फिर ये वाला कलर आएगा। कलर भी कई सारे हैं वैसे, सिर्फ सात कलर ही थोड़ी ना, अलग अलग थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन वेरिएशन करने से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कलर डिफरेंट होता जाता है। जैसे ग्रीन तो ये भी है ये भी है, बट देखो डिफरेंस है ना, ब्लू तो ये भी है बट डिफरेंट है थोड़ा सा। ओके, बट बेसिक, अब मैं कलर की ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, मतलब बेसिक आपके पास दिमाग में आपने रखने वाली बात यही है कि जब भी किसी ट्रांजिशन मेटल के आयन को का आप सोल्यूशन बनाते हो, ओके, उस सोल्यूशन का कलर क्यों आता है? पहली बात, क्योंकि उस ट्रांजिशन एलिमेंट, जो एलिमेंट का आयन है, उसके जो डी ब्लॉक है उसकी हो गई है स्प्लिटिंग। ओके, अब इस स्प्लिटिंग की वजह से ये वाला एनर्जी गैप क्रिएट हुआ है। इस एनर्जी गैप के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर लाइट फॉल कर गई तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर टू हायर स्टेट मूव कर जाएंगे। ठीक, आपकी व्हाइट लाइट में से वो वाला कलर रिमूव हो जाएगा। अगर वो वाला कलर रिमूव हो जाएगा तो जो ट्रांसमिट कलर होगा लाइट होगी वो व्हाइट नहीं होगी, वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ उसके अकॉर्डिंग आएगा। ओके, एक बार मैं ये वाला पैराग्राफ पढ़ देता हूँ पूरा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, ये जो T2g और Eg बनाए मैंने, दी एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, दिस फ्रिक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन, द कलर ऑब्जर्व कॉरेस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, जो उसका उल्टा होगा। ओके, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब इज डिटर्मिंड बाई द नेचर ऑफ लीगेंड, कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होगी वो लीगेंड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। जो मेटल के अराउंड ये लीगेंड आके इकट्ठे करते हैं होते हैं ना, जो उसके साथ डेटी बॉन्ड बनाते हैं, जैसे इसमें वाटर है क्योंकि वाटर में उसका सोल्यूशन बना है। ओके, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा। कैसे? क्योंकि लीगेंड डिसाइड करता है ये वाला गैप कितना होगा, ये ईजी और T2g के बीच में ये जो एनर्जी गैप है ये कितना होगा वो लीगेंड डिसाइड करता है। ओके, और मेटल भी। क्लियर? अगर आपने लिगेंड सेम रखा है तो ऑब्वियस है डिफरेंट डिफरेंट मेटल के आयंस के लिए ये गैप डिफरेंट डिफरेंट होगा, तभी तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के नजर आते हैं। Mn+2 का जो आयन है, इन सभी में वाटर एज अ लिगेंड है, Mn+2 का जो कलर है वो ये पिंक सा है। ओके, बट Cu+2 के आयन का जो कलर है वो ब्लू है, क्योंकि इसमें लिगेंड सेम है और ये वाला जो गैप है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो मेटल का आयन कौन सा है और लिगेंड कौन सा है। लिगेंड इन सभी में वाटर ही है, तो लाइट एब्जॉर्ब कौन सी होगी वो लिगेंड डिसाइड करता है और मेटल का आयन डिसाइड करता है। ओके, इन एक्वस सॉल्यूशंस वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स आर द लिगेंड्स
कलर ऑफ द आयंस ऑब्जर्व्ड आर लिस्टेड इन द टेबल 8.8। ये वाला जो टेबल है ये 8.8 टेबल था, ओके ये टेबल 8.8 छोड़ो, ए टेबल ओके। अ फ्यू कलर सॉल्यूशंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इलस्ट्रेटेड इन द फिगर, ये फिगर में दे रखे हैं ओके। बट इसमें आपको नजर आएगा कि स्कैंडियम प्लस 3, टाइटेनियम प्लस 4 और जिंक प्लस 2, इनके जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस होते हैं, हैं? इनके क्या क्यों कलरलेस है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, बाकी सभी कलर्ड है। अब इसमें क्यों नहीं कलर आया, ये क्यों नहीं लाइट में से कोई कलर एब्जॉर्ब करते। स्कैंडियम प्लस 3 और टाइटेनियम प्लस 4 में देखो डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अगर मान लो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, बट यहाँ पे ना कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होके ट्रांजिशन कौन करवाएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब तो तब होगी ना अगर यहाँ पे लोअर ऑर्बिट में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो और वो उस एनर्जी को लेके हायर ऑर्बिट में मूव हो जाए तभी एब्जॉर्ब करेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एब्जॉर्ब करने का कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है। तो स्कैंडियम प्लस 3 और टाइटेनियम प्लस 4 जो है इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जिसकी वजह से ये कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं करते व्हाइट लाइट में से, इसलिए ये कलरलेस है। अब जिंक की बात करोगे, अब आप बोलोगे सर जिंक में तो 10 इलेक्ट्रॉन है Zn प्लस 2 में, ये क्यों कलरलेस है, ठीक है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो भरे कैसे होंगे, वो भरे ऐसे होंगे हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन। अब अगर हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है तो व्हाइट लाइट अगर पड़ी, मान लो इस इलेक्ट्रॉन का मूड बन भी गया कि हाँ भाई मैं तो एक्साइट हो नहीं जा रहा हूँ, तो एक्साइट होके जाएगा कहाँ पे, ईजी के पास तो जगह ही नहीं है, एक ऑर्बिटल के मैक्सिमम कैपेसिटी दो ही होती है, दो ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो एक्साइट होके ऊपर कहाँ एक्साइट होगा, है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है एक्साइट होने की। अगर फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो तो भी पंगा है ओके, और इसमें फुली फिल्ड ही है ओके D10 में, इसलिए Zn प्लस 2 भी लाइट को लाइट का कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं करता और ये भी कलरलेस ही ओके। बाकी जितनों में भी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स हैं ओके, जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर प्लस 2 की जिसमें D9 है, इसमें D9 है तो इसमें क्या होगा, कैसे फिलिंग हो रखी होगी ये वाले लेवल्स की ऐसे। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकता है ना, अगर व्हाइट लाइट में से कलर एब्जॉर्ब हो जाए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओके, जितनी भी एनर्जी लगनी है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ जा सकता है, तो इट मीन्स एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस हैं। तो दैट्स व्हाई कॉपर जो है प्लस टू फॉर्म में जब वो D9 स्टेट में होता है तो वो ब्लू कलर का होता है, उसके जो सोल्यूशन है वाटर में एक्वस में, ये वाटर्स में ये सभी आयंस के जो कलर है वो किसमें, वाटर में है ठीक है। यहाँ पे वाटर एज अ लिगेंट है, वाटर एज सॉल्वेंट बोल लो या लिगेंट बोल लो, क्योंकि जो सॉल्वेंट होगा वो एज अ लिगेंट लग ही जाएगा मेटल आयन के साथ जब वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा होगा ओके। ये कलरलेस क्यों है, बिकॉज नो ट्रांजिशन, इसका आंसर लिख देते हैं, नो ट्रांजिशन बिटवीन T2G एंड EG लेवल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स क्या है, आपको पता ही है कि जैसे मान लो अगर मैं बात करूं आयरन मेटल की, तो आयरन मेटल में आपके पास ये आयरन के एटम है ऐसे पड़े हुए हैं ओके। तो ये जो बीच में खाली स्पेसेस बच रही हैं, ये वाली थोड़ी बहुत स्पेसेस बच रही हैं, इसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइट्स। तो यहाँ पे अगर कुछ छोटा एटम हो तो उसको अकोमोडेट करवाया जा सकता है, और अगर आप एक्चुअल में ऐसा कर दो तो आप बोलोगे कि वो आपने इंटरस्टीशियल कंपाउंड बनाया, कि जैसे आयरन में आपने हाइड्रोजन को इंसर्ट कर दिया, आयरन की जितनी भी इंटरस्टीशियल साइट्स थी आपने उसमें, जितनी भी नहीं सारी में नहीं हो सकता, मतलब थोड़ी बहुत इंटरस्टीशियल साइट में आपने हाइड्रोजन को इंसर्ट कर दिया, और जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे इंटरस्टीशियल कंपाउंड ओके। और इंटरस्टीशियल साइट्स में हमेशा छोटा एटम ही इंट्रैप करवाया जा सकता है ओके, क्लियर। और ये जो इंटरस्टीशियल कंपाउंड बनेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल्स, दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, दे आर केमिकली इनर्ट ओके, क्लियर। ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं इंटरस्टीशियल कंपाउंड जब बनाते हैं उसका, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो अगर गैप जो है वो फिल हो जाएंगे उससे सॉलिडनेस बढ़ जाएगी ना, क्योंकि बीच में गैप बिल्कुल ही नहीं है तो सॉलिड बहुत हार्ड हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग बनना शुरू हो जाएगा,
अलॉय फॉर्मेशन भी आप जानते ही हो, दो मेटल्स को मिक्स कर दो, एक मेटल के एक और दूसरे मेटल दोनों मिक्स हो जाते हैं, उनमें से कुछ मेटल जो है वो बीच में आके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं लाइक दिस, बट इसमें इंटरस्टिशियल साइड्स को कुछ नहीं होता, वो नहीं भरी जाती। बस ये अलॉय फॉर्मेशन भी होती है मिक्सिंग सिंपल। और आपको पता है डी ब्लॉक में जितने भी हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, जिंक, निकल, इनके अलॉयज तो आप पढ़ते आते ही हो। तो जैसे ब्रास जो है वो कॉपर जिंक का अलॉय होता है, ब्रास जो है कॉपर टिन का अलॉय होता है, दिस टाइप ऑफ अलॉयज तो आप पढ़ते आते ही हो। तो दैट्स इट, ये सारी थी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कल हमने करना है कुछ एक पर्टिकुलर कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं और उनके रिएक्शन हैं वो करने हैं डी ब्लॉक पे। बट दैट्स इट फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो।